नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के संकट के बीच नागरिकता कानून पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है, जहां एक और एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि गृह मंत्रालय ने संसदीय समिति को अभी तक सीएए के नियम नहीं भेजे हैं। वहीं दूसरी ओर एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि नागरिकता कानून का फायदा उठाने के लिए कई अफगानी और रोहिंग्या मुसलमानों ने ईसाई धर्म को अपना लिया है। नवभारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक केंद्र एजेंसियों ने केंद्र सरकार को इस बारे में जानकारी दी है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया है कि कम से कम 25 अफगानिस्तान के मुसलमानों ने ईसाई धर्म अपना लिया है ताकि उनकी भारतीय नागरिक बनने की राह आसान हो जाए। आंकड़ों की बात करें तो करीब 1,50,000 से 1,60,000 अफगानी मुसलमान दिल्ली के ईस्ट कैलाश, लाजपत नगर, अशोक नगर और आश्रम में रहते हैं। इसी समुदाय ने हाल में अफगान सिख निदान सिंह सचदेव को पक्तिका प्रांत में तालिबान आतंकियों के चुंगुल से छुड़ाने में मदद की थी। इसके अलावा अधिकारियों का मानना है कि करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमान पूरे भारत में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमान 2012 से देश में रह रहे हैं और अब खुद को बांग्लादेशी बताते हैं और ईसाई धर्म को भी अपना रहे हैं। रोहिंग्या और अफगानी मुसलमानों के जरिए ईसाई धर्म अपना कर भारत की नागरिकता हासिल करने की ये साजिश केंद्र सरकार के सामने पहुंच गई है, मगर अब केंद्र सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।